शनि ने शिव से पूछा, हे प्रभु, यदि कलयुग में इतने पाप और अत्याचार होंगे, मनुष्य अपने धर्म कर्म से भटक जाएगा, कलयुग मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, जैसे राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और कलयुग के प्रताप से इतने भ्रांतित हो गए थे कि शर्मिक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, क्योंकि वह तपस्या कर रहे थे। जब इतने बड़े राजा की बुद्धि खराब हो सकती है, तो आम आदमी की क्या औकात है? इसलिए मुक्ति के लिए मनुष्य को निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। श्री कृष्ण का ध्यान करें, भागवत को पढ़े, गरीब व्यक्तियों का और असहाय व्यक्तियों की सहायता करें, पशु पक्षी जीव जंतु को भोजन दे, मंदिर विद्यालय का निर्माण करवाएं, कभी किसी को कटु वचन ना कहें, किसी की मजबूरी पर उसका मजाक ना उड़ाएं, ना ही तो राजा चित्सेन की तरह ऋषि का मजाक उड़ाने पर उसे अजगर बनना पड़ा और शनि का ध्यान करने पर उसे पुनः राजा बना दिया। लेकिन उसने कहा, हे प्रभु, मुझे राजपाट नहीं चाहिए, इतने मेरे प्राण हैं, मुझे केवल आपकी भक्ति मिले, आपके चरणों में मेरा ध्यान रहे, यही विनती है कि हर पल हर क्षण बस तुम्हारा ही ध्यान रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करें।